लक्ष्य कठिन हो तो पाने में मजा आता है, हिम्मत की हद से गुजर जाने में मजा आता है। समंदर की अथाह गहराई पसंद है मुझे और आसमान की अनंत ऊंचाई पसंद है मुझे। समयबद्धता के साथ जीत जाने में मजा आता है। जो व्यक्ति संकल्प की शक्ति लेता है या अपने ऊपर इतना विश्वास रखता है कि मैं कोई भी संकल्प ले सकता हूं, वही व्यक्ति अपने जीवन में हर वो चीज हासिल कर सकता है जिसे हासिल करने का संकल्प वो लेता है। और ऐसा व्यक्ति ही भीष्म व्यक्ति बनता है, ऐसा व्यक्ति ही भीष्म व्यक्ति बनता है। तो महाभारत के इस सिद्धांत से मैंने एक बात सीखी कि यदि आप भीष्म प्रतिज्ञा ना भी लें, लेकिन आप जो भी करना चाहते हैं, जिन भी लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, जिन भी चीजों को अचीव करना चाहते हैं, यदि आप अपने मन में दृढ़ विश्वास के साथ वो संकल्प लेते हैं तो हर उस चीज को आप हासिल कर सकते हैं जिसको हासिल करने का लक्ष्य ध्येय या संकल्प आपने बनाया है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या संकल्प लेना चाहते हैं, कैसा संकल्प लेना चाहते हैं। मैंने एक संकल्प लिया कि मुझे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है और इतना ट्रांसफॉर्म करना है कि लोग मेरे साथ खड़े होकर मुझे मिल भी जाए ना तो पहचान ना पाए कि ये वही व्यक्ति है जिससे मैं 2 साल पहले मिला था। 19 फरवरी 2017, बॉडी वेट 96 kg, कमर का साइज 47 inches, एंड आई हैव टेकन अ संकल्प कि आई विल ट्रांसफॉर्म माई लाइफ एंड आई वेंट अप टू 6-pack abs, reduced with 85-70-40% body fat, 30% body fat, 22% body fat, और घटते घटते एक साल के समय में I went up to 6-pack abs। तो friends, 18th April 2018 को, इससे एक साल पहले जब मैंने जिम ज्वाइन किया था तो मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा था और एक्सरसाइज करते हैं ग्लास लगा हुआ था, पीछे एक पिलर था, पिलर के पीछे बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर खड़े हुए थे और मैं एक्सरसाइज करने के बाद, क्योंकि क्या होता है जब आप जिम ज्वाइन करते हैं ना तो 2 या 3 दिन बाद आप ट्रांसफॉर्मेशन चेक करते हैं, कैसे वेट मशीन पे खड़े हो, 200 ग्राम बढ़ गया है, फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं। अच्छा फिर क्या करते हैं, फिर थोड़ी एक्सरसाइज करके फिर चेक करते हैं, अभी हफ्ते का टाइम नहीं देते, तुरंत चेक करते हैं तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं ऐसे जिम के अंदर खड़ा हुआ था, पीछे एक पिलर था, तो मैं ऐसे 3-4 दिन बाद ही अपने आप को देख रहा था, तो मैं ऐसे देख रहा था एब्स, तो एब्स का मतलब 47 इंचेस का एब्स सिंगल, तो मैंने कहा था मैं यार एब्स बनाऊंगा 6-pack एब्स, अपने मन से बात कर रहा था अकेले में, लेकिन इतनी तेज कर रहा था कि लोगों को सुनाई दे गया, तो पीछे खड़ा हुआ लड़का उसको कोने मारता है, कहता देखो मोटे को देखो, मैंने सुन लिया चलो मोटे को देखियो, मोटा हूं तो बोलेगा भी ये मोटा 6-pack एब्स बनाएगा, और भाई साहब इसका 2 इंची भी कमर कम हो जाए ना तो जो बोलेगा वो कर देगा। ये बात मैंने सुनी, मैं घूम के उनके पास गया, मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप, कह रहे नहीं आपके बारे में नहीं कह रहा, मैंने कहा मैं ही हूँ मोटा अकेला, और कोई दिख रहा है मोटा, और मैं 6-pack एब्स बनाऊंगा, बड़ी तेज हंसे, कह रहे भाई साहब बन गए ना तो आपको मिठाई हम खिलाएंगे, मैंने मिठाई भी मैं ही खिलाऊंगा बनाऊंगा। फिर मैंने फेसबुक खोला, फेसबुक लाइव किया कि आई एम गोइंग टू मेक 6-pack एब्स ऑन द डेट ऑफ 18th April 2018, और 17 अप्रैल 2018 को एक दिन पहले ही फोटो शूट करा के मैंने फेसबुक पर अपलोड कर दिया, अमित माहेश्वरी विद 6-pack, 18th अप्रैल, कंप्लीशन ऑफ द रेजोल्यूशन दैट बेस्ड ऑन यू, कि क्या आप अंतिम डेट निर्धारित करते हैं या स्टार्टिंग डेट, स्टार्टिंग डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी लोग लक्ष्य केंद्रित होते हैं ना वो लक्ष्य केंद्रित के बाद लक्ष्य के समाप्ति की डेट निर्धारित करते हैं, और जो लोग लक्ष्य के समाप्ति की डेट निर्धारित करते हैं उसी के अनुसार उनको काम करना होता है। मतलब क्लास में आने के बाद एग्जामिनेशन की डेट निर्धारित हो जाती है, तभी आप आगे जीवन में बढ़ पाएंगे, और जो लोग इस सिद्धांत का अनुसरण अपने जीवन में करेंगे वही लोग असलियत में अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। क्या आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हैं? अच्छा ध्यान से कोई डर ना जाए, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा, आप जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहे बिजनेस में, इनकम में, फैमिली में, रिलेशनशिप में, फिजिक में, कहीं कुछ डर गई कि नहीं भाई अब हाथ खड़ा नहीं करना, कहीं ये तो 6-pack ही करवा के छोड़ेंगे, पैक्स नहीं बनाने, जिस भी चीज में आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं वो आपकी लाइफ का, आपके फ्रेंड सर्कल का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आपकी फैमिली का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी ग्रोथ का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आपकी सक्सेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आपका फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, बिजनेस में नए रेवोल्यूशन को, नई क्रांति को प्राप्त करना हो सकता है। क्या आप सभी लोग तैयार हैं?